पर मुझे नहीं लगता यहाँ से कूद कर डूबना तो दूर तेरे खरोच तक भी नहीं आएगी। हाँ ठीक है, पर भाई तेरे साथ हुआ क्या? क्या बताऊँ यार, लड़कियां जो है बस दो तरह से पटाई जाती है, एक तो सामने से बात करके, दूसरा ऑनलाइन चैट करके। अब कब कोई ऑनलाइन चैट करने वाली लड़की सामने मिलने बुला ले और कब कोई सामने मिलने वाली लड़की ऑनलाइन चैट करने लग जाए, ये करने कराने वाले भी नहीं जानते थे। बात उस समय की है जब सारी लड़कियां चिपकी पड़ी थी। लोगों का तो यूं तक कहना था कि लड़कियों के फोन में यूकम परफेक्ट और व्हाट्सएप बस दो एप्लीकेशन डाल दो, उसी में काम चला लेगी। असली समस्या तब शुरू हुई जब फ्रेंड रिक्वेस्ट का बंदरबाट चालू हुआ। 50 को हाई भेजने पर एक का रिप्लाई आता था, पर लोंडो ने हिम्मत नहीं हारी और चाय चॉकलेट जग्या और आनंदी के नाम पर लड़कियां पटा ली। परेशान हो पूरी तरह से लगी पड़ी, तू ही पता लग गया। परेशान ना हो मेरे यार, एक दिन तेरी भी किस्मत खुलेगी, तेरी जिंदगी में भी रानी आएगी। मेरे दोस्त टेंशन ना ले, चल चंडीगढ़ चलते हैं। क्या बात है भाई, बड़ा परेशान लग रहा है। ऐसी कोई तेरी परेशानी मुझे पता है क्या है? वो क्या? एक काम कर, इनके बाबा से ले। आओ राजा, आओ बाबा। मैं तेरी सारी प्रॉब्लम जान गया राजा। बाबा वो कैसे बाबा? हमें सब मालूम है राजा, शहर की हर लड़के लड़कियों की खबर है। आप बताओ। देख राजा, वीके पर अगर लड़की पटानी है तो तीन बातों का ध्यान। पहली बात, अपना नाम बदल कर आईडी बनाना और प्रोफाइल पिक यूकेएम की ही लगाना, वरना तो काला दिखेगा। दूसरी बात, अपने फ्रेंड्स को कभी भी ऐड करने की गलती मत करना राजा, और ट्रांसलेटर का यूज बिल्कुल भी मत करना। तीसरी बात राजा, जितना जल्दी हो सके लड़की को मिलने बुला देना, समझ गए राजा? हाँ बाबा, हाँ बाबा। बाबा आप ये काम अपने सुभाग्य से क्यों नहीं कर देते राजा? आ बैठ इधर।